फटे छप्पर, उजड़े मकान और ये कमजदा परिवार। यहाँ पर मार दिया। ये दर्द है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चापा गांव में रहने वालों का, जो इन दिनों जंगली हाथियों के निशाने पर है। 90 साल की सकुवर बाई का घर हाथी हाथियों ने तोड़ डाला, तो दिलमती राठिया के पति को हाथियों के हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। घर था पूरा है, पूरा हाथी तोड़ दिया। फैमिली कहाँ चली गई? फैमिली बस एक ही बच्चा है, इसका पति दो को मार दिया हाथी। हाथी तोड़ दिया दो तीन साल हो गए, इसने टोए रहते तीन बार है। पहले आप मनोही में रहते हो? हो तो पूरा तोड़ दीस? ओ पार्थी भेला पूरा गिर दीस। जब भी हाथी आता है तो लोग रात को छोते नहीं हैं, मसाल उसाल लेके रहते हैं कि कब हाथी आ जाए, घर तोड़ दे, बस यहीं से गुजर के जाता है हाथी इधर से। जंगली हाथियों के उत्पात से रायगढ़, अंबिकापुर, कोरिया जिले के गांव भी परेशान हैं। इससे निपटने के लिए कोरबा वन विभाग ने एलिफेंट कॉरिडोर का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन वो लगभग 1.5 दशक से फाइलों में लटका है। ये देरी तब हुई जब केंद्र ने 2007 में कोरबा, सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ के वन क्षेत्र को जोड़ने वाले इस एलिफेंट कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दे दी थी, पर तत्कालीन रमन सिंह सरकार इसे जमीन पर उतार नहीं पाई। नतीजा ये रहा कि ग्रामीण आज भी हाथियों का तांडव झेलने को मजबूर है। और जब भी धान का वो छोटा रहेगा ना तो उसको घास मानते हैं, उसका मौजा नहीं मिलता है। जब धान वो करेगा ना उसका बाल निकलेगा तब उसका मौजा देता है। हाथियों के लिए रिजर्व बनाने का भी प्रस्ताव था, लेकिन वो भी फाइलों में उलझ कर रह गया। जाहिर है अगर पिछली सरकार ने संजीदगी दिखाई होती तो इन ग्रामीणों के सामने जान माल के नुकसान की चुनौती आज तक जारी न रहती। छत्तीसगढ़ के कोरबा से धीरेंद्र गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।